फ्रेंड्स, हम हैं क्लास ट्वेल्थ के एनसीईआरटी मिसलेनियस चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंडेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन में, और आप सॉल्व कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 को। तो आइए हम मिलके इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही उम्दा सवाल है इंडेफिनिट इंटीग्रल का, और किसी ज़माने में ये इसका लेवल बहुत अधिक होने के कारण ये आईआईटी में पूछा जाता था। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, साइन इन्वर्स ए प्लस कॉस इन्वर्स ए इज इक्वल टू पाई बाई टू। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, अगर आपने नहीं की है तो अपने डायरी में इसको नोट कर लें। साइन इन्वर्स ए प्लस कॉस इन्वर्स ए इज इक्वल टू पाई बाई टू। पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये ए नहीं है, हमारे पास रूट एक्स है। तो ये रूट एक्स के लिए इस तरह से हो जाएगी, साइन इन्वर्स रूट एक्स प्लस कॉस इन्वर्स रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इससे हम कॉस इन्वर्स रूट एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने क्या किया है आप समझ चुके होंगे, एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट किया है, ए की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया रूट एक्स। कॉस इन्वर्स रूट एक्स का वैल्यू पाई बाय टू माइनस साइन इन्वर्स रूट एक्स, ये सब्सटीट्यूट करेंगे हम आई में। तो देयरफॉर द इंटीग्रल आई विल बी, आई का स्वरूप क्या होगा देखते हैं, साइन इन्वर्स रूट एक्स एज इट इज माइनस कॉस इन्वर्स रूट एक्स का वैल्यू पाई बाय टू माइनस साइन इन्वर्स रूट एक्स होल अपॉन साइन इन्वर्स रूट एक्स प्लस पाई बाय टू माइनस साइन इन्वर्स रूट एक्स। आप डायरेक्ट पाई बाय टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा साइन इन्वर्स रूट एक्स प्लस कॉस इन्वर्स रूट एक्स पाई बाय टू है, तो आप डायरेक्ट पाई बाय टू लिख के नो प्रॉब्लम। ये तो मैंने इसलिए रख दिया कि ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हमने किसकी वैल्यू रखी है, कॉस इन्वर्स रूट एक्स की। दिस कैंसिल, और पाई बाय टू को ये अपॉन में है, जब ये बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन पाई बाय टू, जिसको आप लिख सकेंगे टू बाय पाई। इंटीग्रल माइनस इंटू माइनस प्लस साइन इन्वर्स रूट एक्स प्लस साइन इन्वर्स रूट एक्स आपका हो जाएगा टू साइन इन्वर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय टू डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करना इसे बड़ा आसान है, दो इंटीग्रल्स में सेपरेट हो जाएगा, टू बाय पाई बाहर ब्रैकेट, फर्स्ट इंटीग्रल विल बी टू टाइम्स साइन इन्वर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस सेकेंड इंटीग्रल पाई बाय टू डी एक्स। टू इंटीग्रेट दिस वी शैल पुट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दें। डी एक्स क्या होगा, डी एक्स बाई डी थीटा विल बी टू साइन थीटा कॉस थीटा। आप लिख पाएंगे इसे डी एक्स इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, यू नो वेरी वेल साइन टू थीटा इन टू डी थीटा। हमारे पास है इंटीग्रल, देयरफॉर द इंटीग्रल आई विल बी 2 बाय पाए ब्रैकेट ट्वाइस अगेन ब्रैकेट सॉरी इंटीग्रल लिख ले साइन इन्वर्स एक्स इज साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां हो जाएगा रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स इज साइन टू थीटा डी थीटा माइनस पाई बाय टू। इस इंटीग्रल को इंडिपेंडेंटली इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स विल बी एक्स प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट विच वी शैल बी एडिंग एट द लास्ट, हम उसे आखिरी में सी प्लस लगा देंगे, अभी नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू बाय पाई ब्रैकेट ट्वाइस इंटीग्रल, आप देखें साइन इन्वर्स साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा साइन थीटा, साइन इन्वर्स साइन थीटा विल बी थीटा थीटा साइन टू थीटा डी थीटा माइनस पाई बाय टू एक्स। अब इसमें देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये
सेकेंड फंक्शन है, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एफ वन इंटू एफ टू, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो लेट अस सी व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज लाइक दिस, फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, डी एक्स लिख रहे हैं पर यहाँ पर डी थीटा, बींग डी थीटा यहाँ डी थीटा आएगा, माइनस बड़ा इंटीग्रल डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फिर होल इंटीग्रल, सबका इंटीग्रेशन। तो ये तो मेरे दोस्तों फॉर्मूला है इसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए यूज में आता है। तो ये फार्मूला इसमें लगाना होगा हमें। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसे हम लगाएंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है और आप इस क्वेश्चन को खुद एक बार इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें बिना देखे। फिर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। इसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पुराना भी हो तो काम करेगा। 2 बाय पाई ब्रैकेट ट्वाइस, अब फॉर्मूला लगेगा तो हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, थीटा एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ साइन टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा होगा, यहाँ डी एक्स है पर आपका जो वेरिएबल है वो थीटा है तो इसलिए यहाँ डी थीटा आएगा, माइनस बड़ा सा इंटीग्रल डी डी थीटा ऑफ थीटा, और इसे भी रब करना होगा, काफी लंबा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एफ टू मीन्स साइन टू थीटा डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज डी थीटा फॉर दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल के लिए, माइनस दिस पाई बाय टू एक्स विल रिमेन एज इट इज, ये टू केवल इससे यहां तक ही मल्टीप्लाइड है तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म करना है, प्लस नाउ यू कैन यूज इंटीग्रल कॉन्स्टेंट प्लस सी। टू बाय पाई ब्रैकेट ट्वाइस थीटा, इंटीग्रल ऑफ साइन टू थीटा इज माइनस कॉस टू थीटा अपॉन कोफिशियंट ऑफ थीटा, टू माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज वन, इंटीग्रल ऑफ साइन टू थीटा इज माइनस कॉस टू थीटा अपॉन कोफिशियंट ऑफ थीटा विच इज टू, माइनस पाई बाय टू एक्स डी थीटा डी थीटा, माइनस पाई बाय टू एक्स प्लस सी। कर्ली ब्रैकेट का ध्यान रखिए, टू इससे मल्टीप्लाइड है कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब देखिए इसे हम लिख सकेंगे टू बाय पाई ब्रैकेट टू, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा आपका माइनस थीटा कॉस टू थीटा, टू इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, जब इस टू को आप इस टू से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू विल बी कैंसल्ड, आपके पास होगा कॉस टू थीटा डी थीटा। अब आप कर्ली ब्रैकेट ना भी लगाएं तो चलेगा क्योंकि टू हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पर ये टू यहीं तक है मल्टीप्लाइड, ये अलग है, माइनस पाई बाय टू एक्स प्लस सी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और मज़ेदार है, कॉन्फिडेंस गेन करने वाला क्वेश्चन है। माइनस थीटा कॉस टू थीटा विल रिमेन एज इट इज़ क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन नहीं है, पर यहाँ कॉस टू थीटा का इंटीग्रल है विच विल बी साइन टू थीटा अपॉन कोफिशियंट ऑफ थीटा, माइनस पाई बाय टू एक्स प्लस
सी। अब 2 बाय पाई तो वैसे ही रहने दें आप, पर अब हमें थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी वापस से। तो थीटा की जगह आप ये साइन स्क्वायर थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किया था, आपको याद हो, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स, या एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप थीटा की जगह डायरेक्ट ये वैल्यू इस तरह से नहीं लिख सकते, किस तरह से आप साइन थीटा को लिखें रूट एक्स और थीटा को लिख देंगे आप साइन इनवर्स रूट एक्स, और आप थीटा की यहाँ वैल्यू इस तरह से डाल देंगे, नहीं, इट विल बी इनकरेक्ट। मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे आपका एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर आएगा। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट एक्स, विच इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू रूट एक्स, जैसा मैंने पहले लिखा था, एंड देयरफॉर थीटा विल बी व्हाट साइन इनवर्स रूट एक्स। तो जहाँ थीटा है, इंडिपेंडेंटली थीटा है, जैसे ये है, इसकी जगह तो वही लिखना पड़ेगा हमें साइन इनवर्स। तो ये होगा 2 बाय पाई माइनस थीटा की जगह लग दीजिए साइन इनवर्स रूट एक्स, नो प्रॉब्लम। पर कॉस 2 थीटा की जगह आप ऐसा ना लिखें कॉस 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि फिर आपको सिंप्लीफाई भी करना होगा। तो आप कॉस 2 थीटा की वो वैल्यू यूज करें जिसमें साइन आता हो, कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब आप देखिए साइन 2 थीटा क्या है, तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 कैंसिल माइनस पाई बाय 2 एक्स प्लस सी। अब क्या करें, अब आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू देख लें आप, एक्स लिखा हुआ है, थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे, माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे एक्स, अभी साइन स्क्वायर थीटा ही लिखे रहने देते हैं, प्लस साइन थीटा इज साइन थीटा की जगह आ जाएगा रूट एक्स, कॉस थीटा यू कैन राइट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस पाई बाय 2 एक्स प्लस सी। इज इक्वल टू 2 बाय पाई ब्रैकेट माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू देख लीजिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा इज एक्स देयरफॉर दिस इज 2 एक्स प्लस साइन थीटा इज रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज एक्स माइनस पाई बाय 2 एक्स प्लस सी। अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और एक बार इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें तो आपको कॉन्फिडेंस अधिक आएगा, घबराने की बात नहीं है। एक बार बड़े आराम से देखिए, किसी स्टेप में अगर आपको लग रहा हो कि हम तेज हो गए हैं तो आप वापस से वीडियो रिवाइंड करके देख लें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम लगेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं ज़रूर से आपको आंसर करूँगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट